हम इस वक्त है गयाना सिटी में, जहाँ पे भारत का सेमीफाइनल इंग्लैंड से होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है भारतीय टीम के लिए, 2022 की याद दिलाता है जब ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हो रहा था और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल था, तब इंडिया हारा था इंग्लैंड से। इस बार उम्मीद ये की जाएगी जो रिजल्ट है उसका तख्ता पलट किया जाए। अगर हम इस वक्त वेदर की बात करें तो मौसम जो है गयाना में ऑन एंड ऑफ बारिश हो रही है, हवा भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने काले बादल हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बारिश का माहौल बना हुआ है। और 27 जून जब वो बड़ा सेमीफाइनल होना है तब भी बारिश फोरकास्ट है, लेकिन हमें यही दुआ करनी होगी कि पूरा मैच हो जिससे कि एक बहुत अच्छा सेमीफाइनल जो है वो लोगों को देखने को मिले। और अगर हम इंडियन टीम की बात करते हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, तो बहुत डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रहा है इंडियन टीम का, चाहे वो लीग स्टेज में हो चाहे वो ग्रुप स्टेज में हो। अफगानिस्तान को हराना, बांग्लादेश को हराना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इतनी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस देना, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो भारतीय टीम को मिलेगा। जैसा मैंने बोला 27 तारीख को बारिश का फोरकास्ट है, तो अगर बारिश होती है या मैच कॉल ऑफ हो जाता है या मैच अबैंडन हो जाता है तो भारत सीधा सीधा फाइनल में पहुंचेगा, क्योंकि उसने अपना ग्रुप स्टेज जो है वो टॉप किया था और इंग्लैंड दूसरे नंबर पे थी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड कह सकते हैं जो भारतीय टीम को मिलेगा अपना ग्रुप स्टेज बहुत अच्छा खेलने से। लेकिन ऑफकोर्स कोई भी नहीं चाहता कि बारिश हो जाए, मैच ना हो, सब 20 ओवर 40 ओवर का मैच देखना चाहते हैं। तो यही उम्मीद है, ये सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए था कि अगर बारिश होती है तो क्या होगा। 2007 में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, उम्मीद लगाई जा रही है रोहित शर्मा और उनकी टीम से कि वो दोबारा वो टाइटल जो है वो भारतीय टीम को दिखा पाएंगे, जिता पाएंगे। तब MS धोनी थे, अब रोहित शर्मा है। ऑब्वियसली ये प्रेशर जो है वो टीम खुद तो नहीं लेती है, लेकिन उम्मीद यही की जाती है कि वो ट्रॉफी जीत के आए, स्पेशली जो 2019 में हम सेमीफाइनल में बाहर हो गए थे, 50 ओवर का वर्ल्ड कप था। चाहे 2023 की भी जो चोट है वो अभी काफ़ी अंदर दबी हुई है, जैसा मैंने बोला हवा कितनी चल रही है गयाना में कि फोन तक जो एक बहुत अच्छे ट्राईपॉड पे लगा हुआ है, बहुत सॉलिड ट्राईपॉड पे लगा हुआ है, उससे भी गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, गयाना जो शहर है वो थोड़ा ऐसा है, ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ आप देखेंगे तो जो रोड है वो काफ़ी गीली गीली है क्योंकि बारिश हो रही है। बहुत तेज़ बारिश नहीं है लेकिन बारिश इतनी है कि आपको चिंता हो जाए कि 27 तारीख का जो मैच है वो कैसे होगा, क्योंकि बारिश जो है वो सुबह भी हो रही है और बारिश शाम को भी हो रही है। तो 26 को भी ना हो और 27 को भी ना हो, इसकी हमें दुआ करनी पड़ेगी।